Hello everyone, today I am going to present a video on syllabus of Vinoba Bhave University BA Economics Honors Part 1 Semester 1 Type both in critical and crucial questions consumer surplus और मैं दो वीडियो बनाऊंगा बैक टू बैक आप लोगों की सेवा में प्रेजेंट में करूंगा. पहला वीडियो होगा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड मार्शलियन अप्रोच फॉर मेजरमेंट, ठीक है. और दूसरी वीडियो होगा हिक्सियन अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कल इकोनॉमिक्स ऑनर्स की परीक्षा है पेपर वन का, सेमेस्टर वन का, और पेपर वन भी कल है. तो आप सोच रहे होंगे कि अभी इतना लेट से बनाने का मकसद, तो ऑन डिमांड किसी विद्यार्थी ने डिमांड किया स्टूडेंट ने, उसी के मद्देनजर रखते हुए आई डोंट नो द नेम ऑफ स्टूडेंट, बट उसी के मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो तैयार किया हूँ. और इसका इंग्लिश मीडियम नोट्स अवेलेबल है एट द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद दिस वीडियो. तो हम लोग ना समय ना बर्बाद करके अब चलते हैं कंज्यूमर सरप्लस. एक्चुअली व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे कंज्यूमर सरप्लस का. तो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज इंट्रोड्यूस बाय डुपुइट इन 1844, ठीक है. इस कंसेप्ट को किया गया था, इस कंसेप्ट को डुपुइट ने किया था. उसका मुख्य था मेजर करना द सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स. आप बोलिएगा सर पब्लिक गुड्स क्या होता है, जैसे रोड्स हुआ, मैंने ऐसा गुड्स जो हम लोग सब शेयर में उसको यूज करते हैं, रोड हो गया, कैनल हो गया, नहर हो गया, उसके मेजरमेंट के. लेकिन मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने इसको इकोनॉमिक्स में पॉपुलराइज किया और एक नया कंसेप्ट दिया कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. तो एक्चुअली उतना लंबा चौड़ा ना जाके अब आते हैं कम टू पॉइंट में, व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस. तो कंज्यूमर सरप्लस आपको इसको सबसे पहले सिंपली ये है द प्राइस वन इज विलिंग टू पे एंड वन एक्चुअली पे प्राइस फॉर गुड्स. कहने का मतलब इट इज डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइस वन इज विलिंग टू पे एंड वन एक्चुअली पे फॉर अमाउंट ऑफ ए कम्युनिटी. मतलब हम जो प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं और एक्चुअल में हम जो देते हैं, तो दोनों में अंतर तो आपको समझ में नहीं आया होगा हम क्या बोल रहे हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. हम किसी भी चीज़ ये किताबों में नहीं मिलेगा, आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो. सपोज डैट आपको कल परीक्षा है और आपको पता चल जाए, ऐसे इलीगल बात मैं बोलने जा रहा हूँ, कि कल परीक्षा है और आपको प्रिपरेशन नहीं है. चलो मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, वो परीक्षा में आ रहा है लेकिन इसके बदले में आपको प्राइस देना पड़ेगा. वो क्वेश्चन इलीगल मैंने उदाहरण ले रहे हैं. तो आप सोचोगे कि चलो भाई 500 भी लगे तो दे दे, 300 रुपया भी लगे दे दे, या 1000 भी लगे, 1000 रुपया आपके पास है. जैसा आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसा आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप देने के लिए तैयार हो जाओगे 10000. तो ये देखो और वही क्वेश्चन कल ये आउट हो जाएगा. कहने का मतलब है एग्जाम के बाद वही क्वेश्चन को आप प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होंगे. तो कहने का मतलब है कि एक दूसरा एग्जांपल से आप समझिए, आपको बहुत कस के प्यास लगी हुई है सपोज डैट, और वहाँ पानी का कोई साधन नहीं है, तो आप खरीद कर भी पीते हो. तो वही चीज है कि हम जो प्राइस जिस परिस्थिति में देने के लिए तैयार होते हैं तो ज्यादा देते हैं, और एक्चुअली ज़्यादा हम देने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑफ दैट कम्युनिटी इज ज़्यादा होता है. जैसे जैसे हमारे पास कंज्यूमर जो सरप्लस है, बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है. जैसे जैसे हमको उसका कंज्यूम करते जाएंगे या वो वस्तु हमारे पास होते जाएगा, वैसे वैसे हम उसके लिए प्राइस कम से कम देने के लिए तैयार होंगे. तो एक बहुत ही एक एग्जांपल से और हम मैं क्लियर करना चाहूंगा कंज्यूमर सरप्लस को. एक टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मान के चलिए यहाँ यूनिट्स ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकता है एक्स वाई जेड, उसे हमको लेना नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कोई भी कंज्यूमर उतना ही प्राइस किसी वस्तु को देना चाहेगा
जितना उससे मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर, और मार्जिनल यूटिलिटी से अगर उसको कम बुझाएगा, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो वो वस्तु लेगा ही नहीं। अभी एक एग्जांपल से मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ प्राइस। आप नेट मार्जिनल यूटिलिटी, नेट मार्जिनल यूटिलिटी, सपोज दैट यूनिट है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, या आप कोई चीज खा रहे हैं, रोटी ही खा रहे हैं, पहला रोटी, दूसरा रोटी, चौथा रोटी, पांचवा रोटी खा रहे हैं। आप पहला रोटी खाओगे, आपको भूख ज्यादा लगी रहेगी तो उसको उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल जाएगा। दूसरा रोटी खाओगे तो कुछ घट जाएगा, घट क्यों जा रहा है कि आपकी भूख में थोड़ी सी संतुष्टि हो गई। तीसरा रोटी खाओगे थोड़ा और पेट भर जाएगा, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी गेटिंग फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑफ रोटी इससे कहते हैं, मैंने डिक्लाइनिंग होते रहेगा, 16 मिला, ठीक है, 14, 12, इसी तरह घटते जाएगा, 10 हो गया। अब मान के चलो प्रत्येक रोटी का कीमत है 12 रुपये, प्रत्येक रोटी, आप एक रोटी, आपका भूख से कोई लेना देना नहीं, प्राइस का, प्राइस फिक्स, एक रोटी लोगे 12 रुपया, दो रोटी लोगे 12 रुपया, 12 12 12 सब का फिक्स। अब पहला ही देखो, पहला रोटी तो तुम कंज्यूम करते हो, उसको माइनस कर दोगे, कितना मार्जिन, नेट मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 1, दूसरा रोटी से आपको 6 मिल रहा है, तीसरी रोटी से आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर 2 मिलेगा, फिर 0, ये पॉइंट आपको आगे मान लीजिए, इसके बाद ये पॉइंट तक इक्विलिब्रियम में है। अब वही मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट यूनिट छठा में मिल रहा है 10 और प्राइस से 12, यहाँ पर कोई भी रेशनल कंज्यूमर जिसकी दिमाग होगी वो कभी नहीं लेना चाहेगा, यहाँ वस्तु को स्टॉप कर देगा, इससे इसको -2 मिल रहा है नेट मार्जिनल यूटिलिटी। आप देखो ये वाला सम को आप जोड़ोगे तो आई थिंक 90 आएगा, ठीक है, और ये 6 बार करेंगे 12 टर्म्स तो 72 आएगा, और ये 18 आएगा, आई थिंक 20 मिनट। अब एक्चुअली आप यहाँ देखो, अब कंज्यूमर सरप्लस हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, आपको हम पहले भी बताए थे कि कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंसेस है बिटवीन द प्राइस वन इज विलिंग टू पे एंड वन एक्चुअल पे, तो वन इज ए विलिंग टू पे प्राइस फॉर अ कमोडिटी, वो जितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है उससे ज्यादा वो प्राइस नहीं दे पाया, यानी कंज्यूमर सरप्लस का हमारा जो निकल रहा है फॉर्मूला वो आप देख सकते हो, सरप्लस का फॉर्मूला समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वही निकल रहा, मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा नहीं दे रहे हैं, इस समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस एंड मल्टीप्लाई द टाइम्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज। अब मान के चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज हम कर रहे हैं, सपोज दैट आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप इसको सम कर दोगे समेशन ऑफ एम यू तो कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है, मैं यहाँ 90 लिख दिया, ठीक है, प्राइस कितना है 12, कितना यूनिट खरीदा जा रहा है, 6 यूनिट खरीदा जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया 90 माइनस 72, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, वही हमारा कंज्यूमर सरप्लस आया 18 आया, तो एक्चुअली ये हमारा नेट मार्जिनल यूटिलिटी, और समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिनोट करता है टोटल यूटिलिटी, याद रखिएगा ये चीज, तो ये हमें समझ में आ गया, अब इसी को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये हम डिस्क्रीट यूटिलिटी, हमारा जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको डिविजिबल नहीं है, हम दोनों में आपको बताने जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब मार्शल का अप्रोच से हम लोग करते हैं, अब इसको ग्राफ में उतारते हैं, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं,
यही टेबल का हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया ओ वाई, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव यूनिट सिक्स यूनिट। अब पहला यूनिट का कंज्यूम किया था कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा था 20, तो 20 पर आ रहे हैं। दूसरा से 18 मिल रहा है, तीसरा से 16 मिल रहा है, चौथा 1 2 3 4 5 6 चौथा से आपको कितना मिल रहा है 14 और पांचवा से 12 विच इज द इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। आप देखो ये साइडेड एरिया जहां है इधर मार्जिनल यूटिलिटी हमने मापा है एमयू, और इधर हम यूनिट मान रहे क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ गुड सेट्स। आप देखो ये जितना एरिया में हमें प्राप्त है एक्चुअली इतना मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रहा है। एक पहला यूनिट से उसको 20 के बराबर मिल रहा है, 18 के बराबर मिल रहा है, तीसरा यूनिट से 16 के बराबर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस वो 12 ही दे रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंसेस है हमारा जो टोटल यूटिलिटी हमको ये पूरा हॉल एरिया मिल रहा है और एक्चुअल में मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस हमारा यही एक्चुअल वो पे कर रहा है। तो ऊपर वाला साइडेड एरिया डिनोटिंग द कंज्यूमर सरप्लस। अब आप डिस्प्लिट में लोगे तो डिमांड कर्व से हम समझा सकते हैं। तो जैसे ये गुड्स से ये डिस्क्रीट वाला ये हो गया, कंटिन्यूअस हो रहा है जो गुड्स इज है या कमोडिटी इज है डिविजिबल, तो डिविजिबल होगा तो उसमें आपको कैसे गति करना पड़ेगा वो देखो। आप जानेंगे टोटल यूटिलिटी में माइनस करना या समेशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस एंड नंबर ऑफ कमोडिटी परचेज, तो एक्स वाई ओ एक्स एक्सिस ये डिमांड कर्व है। ठीक है, डी वाई। ठीक है, अब मान के चलो कमोडिटी का प्राइस ओपी एम। ठीक है, तो आपका एक्चुअल में हमारा जो ये गुड्स है वो एम क्वांटिटी का कंज्यूम कर रहा है कोई भी, उसको टोटल यूटिलिटी तो ये पूरा एरिया मिल रहा है ओ पी। ठीक है, ये डी यहाँ भी कुछ नाम दे देते हैं एन पी, टोटल एरिया मिल रहा है लेकिन एक्चुअल वो प्राइस दे रहा है ओपी के बराबर, तो जो प्राइस एक्चुअल वो प्राइस इस इतना एरिया में वो दे रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस है टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये प्राइस इतना दे रहा है, क्वांटिटी आपको ये दोनों का माने दोनों को आप सबट्रैक्ट करोगे जो ऊपर वाला एरिया बन रहा है वो डिनोट कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इसका डिटेल में हमारा नोट्स में अवेलेबल है और आज परीक्षा के साथ थोड़ा सा हम समरी बताने का प्रयास किए हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक तो लाइक देना ना भूले, और इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इन ऑर्डर टू गेट बेटर टू बेस्ट वीडियो कवरिंग द सिलेबस ऑफ योर कोर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।